कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना कर्म। प्यारे बच्चों, ऐसा समझो कि मान लीजिए अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हो अभय मौर्य जी, तो भी आप लगा सको, कर सको। डॉपलर प्रभाव, यही जो निर्देशन है, सभी लोग ध्यान दीजिए। डॉपलर प्रभाव नामक लेसन, जो कि अंतिम लेसन है, आपको इसी लेसन पर सवालें लगानी है। और इस लेसन में केवल दो सूत्र हैं और इसकी सवाल एग्जाम में पूछता जरूर है। 10-11 प्रश्न बोले हैं, अभी सुष्मी एक तरफ से लगवाते हैं, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसा समझिए कि सवाल लग जाए। इस तरह से पढ़िए जो चीज़ क्लास में पढ़ा रहे हैं सिवांशु, कि घर पे पढ़ना ना पड़े ना, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, थोड़े पढ़ा रहे हैं। तो देखो जरा, डॉपलर प्रभाव ध्वनि में होता है और प्रकाश में। तो ध्वनि में डॉपलर प्रभाव का एक अलग सूत्र है और प्रकाश में डॉपलर प्रभाव का एक अलग सूत्र है। तो दो ही तीन सूत्र हमें पढ़ने हैं। यहाँ देखो जरा, ध्वनि में आभासी आवृत्ति, थोड़ा सा समझ लीजिएगा हमारे साथ। आभासी आवृत्ति एन डैश बराबर एन वी माइनस वी ओ बटा वी माइनस वी एस, यही सूत्र है। और V का मतलब ध्वनि का वेग, सवाल में जो ध्वनि का वेग दिया है उसको V की जगह पर लिखिएगा। VO का मतलब श्रोता का वेग, जो सुनता हो उसका वेग। और VS का मतलब स्रोत, जो ध्वनि बनाता हो उसका वेग। एक और बात उन्हें सर यहाँ कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, ये सूत्र बना है कि स्रोत और श्रोता एक ही एक दिशा में है, मतलब ये ऐसे स्रोत है और ये ऐसे श्रोता है, ऐसे। अब अगर कभी सवाल में कह दे कि स्रोत श्रोता से दूर जा रहा है, सवाल में कह दे, तो स्रोत को श्रोता की ओर आ रहा है, उसके लिए सूत्र है ना ये। अगर स्रोत श्रोता दूर जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये इधर जा रहा है, तो जब स्रोत श्रोता से दूर जाता रहे तो वीएस को माइनस में लिखना, मतलब तब यहां चिन्ह प्लस हो जाएगा। और ऐसे देखो, श्रोता जो है स्रोत से दूर जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूविंग कर रहे हैं, तभी सूत्र आई है। क्वेश्चन में कह दे कि श्रोता स्रोत की ओर आ रहा हो, श्रोता माने इधर आना रहेगा, तो वीओ वाला चिन्ह जो है बदल देना। ये दोनों जब एक ही दिशा में मूव करते हैं तब का सूत्र है। चित्र देखो बनाए हैं, इसी से समझना, ध्वनि स्रोत और श्रोता एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर श्रोता इधर आए माने स्रोत की ओर आए तो चिन्ह बदल जाएगा, और ऐसे स्रोत दूर जाए तब बदल जाएगा, ठीक है? और जो नहीं, जो स्थिर रहेगा उसको हटा देंगे सूत्र में। जैसे कह दिया ध्वनि स्रोत स्थिर है, तो माने वीएस हटा देना सूत्र से, वीएस जीरो हो गया, ठीक है? इसे सूत्र का प्रयोग करेंगे। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, तो प्रकाश में डॉपलर प्रभाव पर सवाल ही नहीं पूछी जाती, बस जान लीजिए। न्यू डैश बराबर न्यू वन प्लस वी अपान सी वन माइनस सॉरी, सूत्रवा तो आप जानते रहिए, सवाल पूछी नहीं जाती। तो सूत्रवा यहां पर देखो जरा, न्यू का मतलब क्या है बेटा? आवृत्ति, वास्तविक। और वी का मतलब स्रोत या प्रेक्षक, जो देखता हो। दोनों के वेग को वी से लिखते हैं। और सी क्या है? प्रकाश का वेग। कोई डाउट बेटा?
समझ आ रहा है? जो सूत्र यूज होता है वो ये है, डेल्टा लैम्डा बराबर वी अपान सी इंटू लैम्डा, डॉपलर विस्थापन। ये सूत्र पर सवाल है आपको प्रकाश में मिलेंगे, तो इस सूत्र पर सवाल मिलेंगे और इस सूत्र पर। अब हम लोग सवाल पढ़ेंगे, सीरियल वाइज समझेंगे, अपने आप आने लगेगी। 10-11 सवाल हमने आपको बोला है, तो 1-2 आज एक तरफ से बोलिए बेटा, सवाल हम लगवाएं। तो बोलिए, कोई एक बंदा बोले, कोई क्वेश्चन बोलो, पहला ढूंढ रहे। हाँ एक बोले, हाँ हाँ देखिए जरा प्रश्न पढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक गतिमान मनुष्य को किसी स्थिर स्रोत की ध्वनि का तारत्व, स्थिर स्रोत कह दिया माने VS0 हो गया। एक गतिमान मनुष्य को स्थिर स्रोत की ध्वनि का तारत्व 5% गिरा हुआ लगता है, उसके गति की चाल और उसकी दिशा बताइए। ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है, तो ध्यान दीजिएगा उन्हें बेटा, ध्वनि की चाल बी से लिखी जाती है 330 मीटर पर सेकेंड, उन्हें ध्यान देगा। और स्थिर स्रोत, स्रोत स्थिर है VS0 है, ENDS 5% गिरा हुआ माने 5% कम आवृत्ति प्रतीत होती है, 5 N/100 बेटा, वही तख्ते पर रख बेटा, 5% गिरा हुआ प्राप्त होता है। अब उनेसा जी सूत्र लगाए, अपने आप आंसर आ जाएगा बेटा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कौन सा सूत्र लगाए? देखो गतिमान कह रहा है, गतिमान मनुष्य माने श्रोता गतिमान है, गतिमान श्रोता को आवृत्ति घटी हुई प्राप्त होती है, इसका मतलब इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, ठीक है? तो इनके बीच की दूरी बढ़ रही मतलब ये इसी तरफ जो है श्रोता से विपरीत जा रहे हैं। कौन सा सूत्र लगेगा? ENDS बराबर EN, दूर जा रहे हैं B-VO/V, VS नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि VS स्थिर है, 0 हो गया। अब इसे भी मान लेंगे बेटा, ENDS की जगह V-EN से कट गया, तो 5 × 5 = 100, B × B = 20B - 20VO। इधर आ गया और वो उधर, 19B = 20VO, ठीक है? ये इधर लाए 20VO = 19VO, तो VO बराबर काट पीट सकते हैं, उड़ा करके 2 से भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत बेटा? कर सकते हो 16.5 ऐसे कुछ आ जाएगा, जितना भी है आंसर हो जाएगा, ठीक है? उड़ा करके भाग दे दीजिएगा। अगला प्रश्न पढ़ो। हाँ देखो जरा प्रश्न ध्यान से सुनिए, टेक्निकल है। कोई इंजन किसी श्रोता से दूर जाता है, कोई इंजन माने ध्वनि स्रोत, श्रोता से दूर जाता है, इधर जा रहा है ना, श्रोता से दूर जा रहा है, माने VS को प्लस बनाएंगे। और स्थिर श्रोता, स्थिर श्रोता माने VO 0, ठीक है ना? तो इंजन के सीटी की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति के 6/7 गुना प्रतीत होती है, ENDS = 6/7 चाल वायु की 330 ध्वनि की 330 मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों सूत्र क्या होता है? ENDS बराबर
एन वी अपान वी प्लस वी एस। देखो वी ओ नहीं लिखे और इसका दिशा चूंकि उधर जा रहा है बदल दिया, प्लस कर दिए। मान रख दो बेटा छ बटा सात एन बराबर एन वी अपान एन से एन, ऐसे नहीं बोलते, सात वी बराबर क्या दिक्कत है, सात बी में भी घट गया तो अपने को बी एस चाहिए। कोई डाउट बेटा, समझ आया? अगला पढ़ो। एक मोटा कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चौराहे की ओर आ रहा है, इसकी वाणिज्य की ध्वनि आवृत्ति चौराहे पर खड़े सिपाही को दो सौ साठ ये सवाल टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट भी है, बड़ी भी है, ठीक है पढ़े। एक मोटर कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चौराहे की ओर आ रही है, उसके हार्न के ध्वनि की आवृत्ति चौराहे पर खड़े सिपाही को 260 हर्ट्ज सुनाई देती है। तो मोटर कार यहां पर जो है ध्वनि स्रोत है और कितने चाल से है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा मोटर कार चौराहे की ओर आ रही है, माने मोटर कार ध्वनि स्रोत है और स्रोता की ओर आ रही है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 × 4 = 5 = 20 मीटर पर सेकेंड उसकी चाल है और स्रोता स्थिर है, कह रहा चौराहे पर खड़े सिपाही को, तो सिपाही बेचारा खड़ा है माने स्रोता इज नॉट चलिंग, वीओ जीरो, ऐसे समझाए ये सवाल मान लाएगी तो। हाँ ध्यान से देखा, आवृत्ति 260 हर्ज, यही कह रहा है ना, कितना प्राप्त होती है आवृत्ति 260 हर्ज मिलती है उसको सुनाई देती है, वास्तविक आवृत्ति बताओ चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, यही ना बेटा यह बताना है चाल ध्वनि की 332। अब तो समझ गए सर, समझ गए ना, सूत्र लगा के एन डैश बराबर एन वी ओ मत लिखना, वी अपान वी माइनस, मजा आया, आगे बढ़ो, एन डैश की जगह वी की जगह वी एस, तो 260 बराबर एन गुणे 332 बटा 320 गए, नहीं मानोगे तो यह बराबर 260 गुणे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, काट पिट कर लोगे बेटा 244 आएगा, कहीं कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक इंजन 1240 हर्ज आवृत्ति की सीटी बजाता हुआ, कोई इंजन है, सवाल समझोगे तभी, नहीं तो माइनस प्लस गलत हो जाएगा तो उत्तर नहीं मिलेगा। 1240 हर्ज आवृत्ति की सीटी बजाता हुआ 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पहाड़ी की ओर जा रहा है, तो मतलब ये स्रोत है, स्रोत की वास्तविक आवृत्ति 1240 हर्ज है और स्रोत की चाल भी दिया है, कितना दिया बेटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, सभी लोग समझने का प्रयास करो, 90 × 5/18 18 × 5 = 90 = 25 मीटर पर सेकेंड। एक अस्पष्ट प्रतिध्वनि ड्राइवर को सुनाई देती है, देखो यहां टेक्निकल हो गया, ध्यान समझो नहीं सर, टेक्निकल ये हो गया बेटा कि जैसे इंजन है, इंजन की आवाज गई तो गई पहले कहां गई, पहाड़ी पर टकराई, वही आवाज लौट के आई, इसको सुनाई ड्राइवर को, ठीक है ना, तो यहां
जो है जब सुनाई देती है तो ये श्रोता हो गया, और इसकी भी चाल यही हो गई वहां से जो आ रही है। पहले यहां से जो ध्वनि उत्पन्न हुई पहाड़ी पर लड़ेगी तो वहां की सावृतिक ध्वनि होगी ये पता करें, तो वो यज्ञेश आ जाएगा। नहीं समझे? जैसे ये इंजन है, ये चल रहा है, यहां कहीं पहाड़ी है, ध्यान से देखो, तो जब यहां से आवृत्ति यन है तो ये आवाज यहां जाके लड़ी तो यहां कुछ आवृत्ति पता लगेगी। पहाड़ी पर कितनी आवृत्ति है हम पता कर सकते हैं सूत्र का प्रयोग करके। ये श्रोता मान ले पहाड़ी को, पहाड़ी को श्रोता मान ले, स्थिर है तो इस आवृत्ति तरंगे यहां पे आई, माने जो है स्थिर श्रोता की और पहाड़ी की तरंगे आई, कितनी आवृत्ति यहां पर हुई पता लग जाएगा। फिर उसके बाद यही जो है ध्वनि इधर आएगी, ठीक है, तो ध्वनि इधर आएगी, इसको सुनाई देगी। अब की बात के केस में ये श्रोता का काम कर रहा है जो इंजन पर ड्राइवर है और गतिमान भी है, जबकि स्रोत क्या है स्थिर, तो फिर जो आएगा उत्तर पता लगेगा। समझ में आई बात? टेक्निकल हो गई ना, इंजन से उत्पन्न ध्वनि, चुप, इंजन से उत्पन्न ध्वनि जब पहाड़ी से टकराए तो आवृत्ति देखो आवृत्ति एंडेस। अब इस केस में सूत्र याद करो, यन वी माइनस वी ओ यही होता है, लेकिन यहां पहाड़ी स्थिर है, अपान वी माइनस वी एस श्रोता का गतिमान है। ठीक है, ये उत्तर नहीं होगा, एन माने 1240, वी मतलब ध्वन की चाल 335 मीटर, हाँ माइनस, तो 1240 बटे 325 क्या है, 0031 4 5 6 20 4 3 12 2 14 1340 माने अब 1340 हर्ज आवृत्ति तरंगे यहां पर मिलेगी। ये उत्तर नहीं हुआ, यहां से ध्वनि यहां आएगी प्रतिध्वनि हेतु, प्रतिध्वनि कहां आ रही है, यहां से यहां आ रही है, तो यहां पर एंडेस बराबर 1340, ध्वनि की चाल तो 335 रहेगी, लेकिन यहां ये जो ध्वनि आ रही है यहां पर श्रोता स्थिर है, क्योंकि पहाड़ी यहां ध्वनि स्रोत हो गई है और ये श्रोता गतिमान है, श्रोता स्रोत की ओर गतिमान है, -25 का है, माइनस कर दीजिए क्योंकि यार स्रोत श्रोता दोनों एक ही डायरेक्शन, लेकिन ये उल्टा आ रहा है, ये श्रोता की ओर आ रहा है, ठीक है ना, स्रोत है और ये श्रोता है, ये ऐसे इसको ऐसे जानना चाहिए था, ऐसे फार्मूले पर रखते क्या होता है, वैसा वी ठीक है, वी एस 0 हो गया, कोई डाउट सिस्टम वैल्यू रखे, चलो बात समझ में आ रही है, ये एंडेस वी कितना, वीओ कितना बेटा, अब माइनस यूज हो गया, ठीक है माइनस यूज कर लेंगे,
तो इस बाय कितना चाहिए? कापी लेना बेटा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नोट करो। अगला क्या है बेटा? पता नहीं कहाँ बोले। और क्या बोले बेटा? यदि इसकी श्रोता की गतिमान ध्वनि क्रोध की ध्वनि की आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति के कारण चल रहा है। लगा लो तब तक इसको।